नमस्कार साथियों, चलिए कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की है? तो याद रखना, लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया है, वो भी इल्तुतमिश हैं। कौन हैं वो? इल्तुतमिश हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की है? जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ये किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। कौन हैं ये? अलाउद्दीन खिलजी हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो वो निर्माण करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। उनका भी नाम क्या है भाई? अलाउद्दीन खिलजी है। बताओ खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, याद रखना, उनका जो नाम है वो जलालुद्दीन खिलजी हैं। कौन हैं वो? जलालुद्दीन खिलजी हैं। इनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो जो चंगेज खां का वास्तविक नाम है, वो नाम वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं पता है तो याद रखना, उनका वास्तविक नाम है तेमुजिन। क्या नाम है? तेमुजिन है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? बताओ, दिल्ली पर जिसने राज किया हो वो प्रथम महिला शासिका कौन है? तो याद रखना, वो है रजिया सुल्तान। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया? बताओ भाई, भारत में किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना, जो बलवन है, याद रखना कौन है वो? बलवन है। उन्होंने पारसी पर्व नवरोज को भारत में प्रारंभ किया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, जो अमीर खुसरो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? बताओ भाई, वो कौन है? तो याद रखना, वो जो चोल राजा हैं वो हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। आज आपको स्टैटिक्स जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपको हिस्ट्री से हैं। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बताओ भाई, खलीफा कौन था? याद रखना, मुबारक शाह खिलजी जो हैं, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कितने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बताओ भाई, किसने चलाई थी इक्तादारी प्रथा? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाले इल्तुतमिश हैं। कौन है? इल्तुतमिश हैं। जितने भी आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं, अच्छे से याद रखिएगा। लाख वक्स के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बताओ भाई, लाख वक्स किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बताइए, यात्री जो है, जो इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? बताओ, किसके शासनकाल में भारत आया था? कौन है वो? तो याद रखना, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बताओ भाई, किसके शासनकाल में किया है? तो नशरुद्दीन महमूद तुगलक, याद रखिएगा, जो नशरुद्दीन महमूद तुगलक हैं, इनके शासनकाल में आक्रमण किया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बताओ, वो कौन है भाई जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है उनका? फिरोज शाह तुगलक नाम है। इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बताओ भाई, वो कौन है? तो याद रखना, देवी लक्ष्मी की आकृति जो बनी है वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी है। याद रखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है।